गुफ्तगू में होंगे। एनईडी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम कराची के निजी होटल में इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें तकरीर और तहरीर के फन को उजागर किया गया। कराची के निजी होटल में एनईडी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम अमरीकी सफारतखाने के रीजनल लैंग्वेज ऑफिस ने स्पॉन्सर किया, जिसमें 200 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर एनईडी यूनिवर्सिटी नजीब सकलैन का कहना था कि वर्कशॉप का मकसद तलबा में तकरीर और तहरीर की अहमियत को उजागर करना है। एक तो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं, उनके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन थी, और उसके साथ साथ जो लर्निंग इनकी हुई है उसकी न सिर्फ डिस्प्ले, इन्होंने जो लर्निंग स्किल्स की जो लर्निंग हुई है, लाइक फॉर एग्जांपल इनकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं, इनकी लैंग्वेज स्किल्स हैं, इनकी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, उन सब का न सिर्फ पोर्ट्रे था, डिस्प्ले था, बल्कि उनकी एक अप्रिसिएशन भी थी। प्रोफेसर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेटर साजिदा जकी का कहना था कि हमारा मकसद तलबा को हालात हाजरा की तब्दीली के हवाले से आगाह रखना है, ताकि इनके लिए रोजगार का हुसूल आसान हो। आजकल डिजिटल टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं और सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी कर सकते हैं, तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो उनकी प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, राइटिंग, उनकी सीवी डेवलपमेंट, बहुत सारे एरियाज को, सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो हम डेवलप करते हैं वो इनकी डिजिटल लिटरेसी है। तुलबा ने वर्कशॉप को अमली जिंदगी के लिए मुफीद करार दिया। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ अब्दुल वली, जियो न्यूज़ कराची।